झारखंड में चुनाव है, लिहाज हर राजनीतिक दल में टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के सामने है। बीजेपी के पास पहले से ही हर सीट पर टिकट चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। ऊपर से दूसरे दलों से आए नेताओं ने पार्टी की टेंशन और बढ़ा दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के चक्रधरपुर या सरायकेला सीट को चुनाव लड़ने की संभावना है। मंत्री सरयू राय की जमशेदपुर पश्चिमी पर दावेदारी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। रांची सीट से सीपी सिंह, दीपक प्रकाश, आदित्य साहू, संजीव विजयवर्गीय, प्रतुल शाहदेव भी रेस में हैं। हटिया सीट पर नवीन जायसवाल और सीमा शर्मा के बीच टिकट का टेंशन है। मांडर सीट पर विधायक गंगोत्री कुजूर और देव कुमार धान के बीच टक्कर है। गुमला और सीसई सीट पर भी टेंशन जारी है। विधायक शिवशंकर उरांव और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के नाम पर विचार चल रहा है। छतरपुर में विधायक राधाकृष्ण किशोर के सामने दल बदलों की चुनौती है। गढ़वा सीट से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और गिरिनाथ सिंह में जंग है। गढ़वा से ही बकोरियो फर्जी गोलीकांड में संदिग्ध पूर्व डीजीपी डीके पांडे भी पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। तो मांडर सीट पर विधायक गंगोत्री कुजूर और देव कुमार धान के बीच टक्कर है। वहीं गढ़वा सीट से विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी। झारखंड में चुनाव के लिहाज से हर राजनीतिक दल में टिकट को लेकर मारामारी चल रही है और सबसे ज्यादा तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जानने चाहेंगे कि बीजेपी में सबसे ज्यादा सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, क्या ये उलझन कब तक सुलझ पाएगी? दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो नहीं पहुंचे हैं अब से कुछ घंटों के बाद, चाहे आप मुख्यमंत्री की बात करें, जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं ओम माथुर की बात करें, तमाम बड़े नेता दिल्ली में होंगे और दिल्ली में बैठक होगी। दिल्ली में बैठक के दौरान इस बात की कोशिश की जाएगी कि जो सूची इस वक्त प्रदेश कमेटी ने बनाई है उसे कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाए और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उसे रखा जाएगा। संभवतः ये कहा जा सकता है कि कल देर शाम तक बीजेपी की पहली सूची आ सकती है और इससे पहली सूची में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम के होने की संभावना है। बीजेपी इस बार इस कोशिश में है कि जो 81 सीटें विधानसभा की हैं उनमें से सहयोगी दलों को छोड़कर जो बीजेपी की सीटें होंगी उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो उम्मीदवार हैं जिन्हें मौका मिलने वाला है, जो बीजेपी के खेवनहार की भूमिका में होंगे, उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त चुनावी मैदान में डटे रहने के लिए मिले। और इस कोशिश के साथ आज से बैठक शुरू हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें पिछले दो दिनों से लगातार जो भीड़, जिस तरह का ताता बीजेपी प्रदेश कार्यालय झारखंड में देखने को मिला, अब ये पूरी तरह से भीड़ छट गई है और ये भीड़ अब दिल्ली शिफ्ट कर गई है। वैसे तमाम टिकट के दावेदार जो सक्षम है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनके तरफ से अपनी एक लॉबिंग चल रही है कि अगर उनके नाम प्रदेश की कमेटी के द्वारा भेजे गए हैं तो वहां कैसे उनके नाम पर मुहर लगे। तो ये कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर में टिकट की दावेदारी को लेकर जो होड़ थी, जो दौड़ थी, वो अब रांची के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गई है और आने वाले वक्त में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसे बीजेपी का टिकट मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं पुनीता जहां अगर आप देखें तो एक से ज्यादा दावेदार हैं, खासकर वैसे दावेदार जो दूसरे राजनीतिक दलों से अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में उनके शामिल होने के साथ पहले से जो पार्टी के दावेदार हैं या यूं कहें कि अभी जो सिटिंग विधायक हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा या जो दूसरे राजनीतिक दल से आए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर अभी राजनीतिक गलियारों में कहें या बीजेपी के अंतरखाने कहें चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी अविनाश,
अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में अभी जो फिलहाल स्थिति है, एक अनार 100 बीमार वाली है। अगर बात करें 2014 के विधानसभा की, तो हटिया सीट से नवीन जायसवाल को बीजेपी की सीमा शर्मा ने, मतलब जो हारी थी, सीमा शर्मा हारी थी निवा, और अब नवीन जायसवाल जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे कई सारी सीटें हैं जिसपे ये स्थिति बनी हुई है, टेंशन दोनों की बढ़ सकती है। नहीं, जरूर पुनीता, अगर हम सिर्फ जेबीएम के ही विधायकों की बात करें, 2014 में जेबीएम के 8 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, और इस वक्त जब 2019 का चुनाव हो रहा है तो 8 में से 7 विधायक दल बदल करते हुए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और वो तमाम जो विधायक, जिन 7 विधायकों की बात हो रही है, उसमें से अगर हम 2 विधायक की बात छोड़ दें तो बाकी 5 ऐसे विधायक हैं जिन पर सस्पेंस बरकरार है, जिनको लेकर, जिनके नाम को लेकर अभी तक पूर्ण रूप से बीजेपी के अंदर उनको टिकट दिए जाए इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। इसी तरह अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों से भी आने वाले विधायकों की अगर हम बात करें, उनके लिए भी ये परेशानी होगी होगी कि जो पहले से बीजेपी के जो दावेदार हैं या फिर वैसे सिटिंग विधायक हैं जहां उनकी दावेदारी देखने को मिल रही है, या पूर्व विधायक हैं, वहां कैसे बीजेपी किस उम्मीदवार का चयन करती है। तो बीजेपी के लिए पहले से ये माना जा रहा था कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के अंदर भीड़ बढ़ रही है, विपक्षी दलों के बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वैसे तमाम नेताओं के शामिल होने के बाद से इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी के समक्ष टिकट की चुनौती होगी, और वो अब चुनौती पूरी तरह से सामने दिखने लगी है। आज जब दोपहर बाद दिल्ली में बैठक शुरू होगी, उस वक्त भी ये नजारा देखने को मिलेगा दिल्ली में, जब बीजेपी के पुराने नेता भी वहां मौजूद रहेंगे, जो बीजेपी के जो टिकट के दावेदार नेता हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे, जो सिटिंग विधायक हैं या मंत्री हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर जो बीजेपी के सिटिंग विधायक या उन विधायकों में जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, अगर वैसे नेता भी टिकट के टेंशन से परेशान होकर रांची से दिल्ली तक पहुंच गए हैं, इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी के अंदर किस तरह से टिकट को लेकर चुनौती है, और इस चुनौती को बीजेपी सही तरीके से अगर पार नहीं करती है तो ये आने वाले समय में चुनाव में, चुनावी मैदान में विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका देगा। जी अविनाश, जो अभी तक सस्पेंस बरकरार है, तो उसपे से पर्दा कब तक उठ पाएगा? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि कल देर शाम तक पहली सूची आ जाएगी, और ये इसकी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के जो नेता हैं उनके बयान के अनुसार भी अगर हम बात करें तो ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नाम उस पहली सूची में ही शामिल हो। कुछ नेताओं का ऐसा भी मानना है कि एक बार में ही तमाम जो उम्मीदवार हैं जहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी उनकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि ये इतना संभव नहीं होता है, लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि यहाँ 5 चरण में चुनाव होने हैं तो पहले 3 या 4 चरण तक के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाए, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका कैंपेनिंग में मिल सके, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस टिकट के टेंशन से दूर हो जाएं, और चुनावी जो रणभूमि है उसमें उनका, उनकी सभा की बात करें, उनके जनसंपर्क अभियान की बात करें, वो ज्यादा से ज्यादा समय इसमें दे सकें। जी अविनाश, तो तमाम जानकारी के साथ हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो है मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली जाएंगे, और जिसके बाद जो है सब कुछ क्लियर हो पाएगा और पहले चरण के प्रत्याशियों पर से जो है पर्दा उठ सकता है।